है तो वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं। कई दिनों तो यह गल उड़ीकी जा रही थी कि कदों दीप सिद्धू नू जमानत मिलती है, क्योंकि 15 अप्रैल नू जिहड़ी हीयरिंग होई सी उस तो बाद जिहड़ा फैसला नहीं सी आया है जज साहिबान दे वल्लों, तां पर हुण सवेरे सवेरे खबर आई है कि दीप सिद्धू नू जमानत मिल चुकी है। तो तुहानू वड्डी खबर दस रहे हैं कि दीप सिद्धू नू जमानत मिल चुकी है। 26 जनवरी लाल किला हिंसा मामले दे विच दीप सिद्धू पिछले काफ़ी समय तो जेल दे विच बंद सन। 9 फरवरी नू उन्हां नू करनाल बाईपास तो गिरफ्तार किया गया सी। तो दस दिए कि 7 दिन का पहला रिमांड लिया गया, 7 दिन का मुड़ तो रिमांड लिया गया सी। 14 दिनों के पुलिस रिमांड तो बाद लगातार दीप सिद्धू तिहाड़ जेल दे विच बंद सन, तो हुण दीप सिद्धू नू जमानत मिल चुकी है। 8 अप्रैल नू हीयरिंग हुंदी है, 12 अप्रैल नू हीयरिंग हुंदी है, उस तो बाद 15 अप्रैल लई फैसला राखवा रख लिया जांदा, पर 15 अप्रैल नू फैसला सामने नहीं आउंदा। तो हुण 17 अप्रैल नू अज दीप सिद्धू नू जमानत मिल चुकी है। हालांकि सोशल मीडिया से बहुत सारिया अफवाहां फैलियां, बहुत सारे चैनलों के वालों इस तरह की खबर भी सामने आईया कि दीप सिद्धू नू 15 नू ही जमानत मिल चुकी है, पर नहीं, दीप सिद्धू नू अज जमानत मिली है। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं कि दीप सिद्धू नू जमानत मिल चुकी है। दीप सिद्धू दे जिहड़े बहुत सारे प्रशंसक ने, फॉलोअर्स ने, वह लगातार यह मांग कर रहे सन कि दीप सिद्धू नू जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि बाकी जिन्हें भी लोग 26 जनवरी हिंसा मामले के जिन्हें वख-वख धारावां तहत मामले दर्ज किए गए सन उन्होंने भी जमानत मिल चुकी सी। तो हुण उड़ीक की जा रही थी कि दीप सिद्धू नू जमानत कदों मिलती है, तो तुहानू दस रहे हैं कि दीप सिद्धू जल्दी हुण जेल तो बाहर आउणगे ते उन्हां नू जमानत जिहड़ी आ ओह मिल चुकी है। हालांकि जिहड़ी हीयरिंग है ये सारी ऑनलाइन हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही हुई है, तो दीप सिद्धू वकील दे वल्लों अपनियां दलीलां दित्तियां गईयां। तो दीप सिद्धू दे वकील ने कहा सीगा दीप सिद्धू दे माध्यम तो कि वह 26 जनवरी नू गलत समय ते गलत थां ते सन, उन्होंने कोई हिंसा नहीं सी भड़काई, बल्कि उन्होंने लोगों नू शांत किया सीगा। ते जिहड़ी भी हिंसा 26 जनवरी नू लाल किले ते होई वह उन्होंने जाण तो बाद होई सीगी। तो दीप सिद्धू नू हुण जमानत मिल चुकी है, ये गल उड़ीकी जा रही सी। वड्डी खबर तुहानू दस रहे हां तां क्योंकि लगातार दीप सिद्धू दी जिहड़ी है वह तारीख ते तारीख पै रही सीगी। 8 अप्रैल नू हीयरिंग हुंदी है, 12 नू हुंदी है, फिर 15 अप्रैल का दिन निश्चित किया जाता है कि 15 अप्रैल नू फैसला सुनाया जाएगा, पर 15 अप्रैल नू पहला सवेरे 10 बजे हीयरिंग स्टार्ट हुंदी है। फिर गल सामने आउंदी है कि शाम नू 4 बजे फैसला आएगा, पर शाम नू 4 बजे भी फैसला नहीं आउंदा, जिस तो बाद रात तक उड़ीक की जाती है। दीप सिद्धू के जिहड़े प्रशंसक ने, उन्होंने फॉलोअर्स ने, उन्होंने चाहण वाले ने, जां उन्होंने साथी ने, वह लगातार यह गल उड़ीक रहे हुंदे ने कि कदों दीप सिद्धू की जमानत हुंदी है। तो हुण वड्डी खबर तुहानू दस रहे हां कि दीप सिद्धू नू जमानत मिल चुकी है, तो जल्दी ही दीप सिद्धू कागजी कार्रवाई पूरी होने तो बाद जेल तो बाहर आ जाएंगे। तो इस वेले की वड्डी खबर तुहानू दस रहे हां दीप सिद्धू, क्योंकि जिस ढंग दे नाल किसानी अंदोलन चल रहा सीगा, तो दीप सिद्धू ने पहला शंभू मोर्चा भी लाया शंभू ते, उस तो बाद किसानी अंदोलन दे विच दिल्ली तक पहुंचे, दिल्ली दे विच लगातार वो किसान अंदोलन दे विच शामिल रहे। हालांकि किसान जथेबंदियां दे वल्लों उन्हां दा समाजिक बाईकाट करन दा भी ऐलान किया होया है कि समाजिक बाईकाट किया जाए, पर इस दे बावजूद दीप सिद्धू दे नाल बहुत सारे लोग ने सोशल मीडिया के राही भी जां जमीनी पद्धर की गल की जाए उस दे नाल भी दीप सिद्धू ने उस तो बाद लगातार किसानी मोर्चे दे विच अपना बनदा रोल प्ले किया। पर जिहड़े किसान जथेबंदियां सीगियां ओह ये मन रही सीगियां कि दीप सिद्धू ने 26 जनवरी नू लाल किले ते केसरी झंडा जिहड़ा लहराया है अते लोकां नू भड़काया भी है, अते उन्होंने कहा सीगा कि दीप सिद्धू ने साडा जिहड़ा 26 जनवरी दा साडी परेड है उस नू तार पीडो किया है, जिस करके दूजे दिन दीप सिद्धू नू गदार भी कहा गया, दीप सिद्धू का समाजिक बाईकाट भी किया गया। पर दीप सिद्धू कई दिन जिहड़े रूपोश रहे जां सोशल मीडिया राही अपनी गल रखते रहे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना सब कुछ त्यागया है, उन्होंने ऐशो इशरत भरी जिंदगी सी उन्होंने वो त्यागी है पंजाब के लिए, तो पंजाब का दर्द वो रखते हैं, तो उन्होंने कोई भी गलती नहीं की, जेकर उन्होंने गलती की तो उन्होंने दस्या जाए, बल्कि उन्होंने लोगों को शांत किया। 26 जनवरी में लोग आप मुहारे जड़े ने वो लाल किला पहुंचे सन, तो वह भी लोगों के जाने तो बाद उत्थे पहुंचे, जिस तो बाद इन्ना को जरूर उन्होंने कहा कि उन्होंने वीडियो जरूर जी पाई सी, उन्होंने गलती सी, वीडियो नहीं सी पानी चाहिए, पर कुछ चैनल्स के वलों खासकर नैशनल मीडिया के वलों उन्होंने इस ढंग नाल जड़ा पेश किया गया कि वह सारी कॉन्सपिरेसी जी साजिश रची गई आ उस दे मुख साजिशकर्ता हुण, पर अजिहा नहीं है, वह सिर्फ एक आम व्यक्ति दे वांग लाल किले ते गए सन, दिल्ली हिंसा भड़काउण दे विच उन्हां दा कोई हथ नहीं है। अदालत दे विच भी उन्होंने अपना यही बयान जिहड़ा है वह दिता सीगा, ते हुण दीप सिद्धू जल्दी ही जेल तो
बाहर आ जाएंगे। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहे हां, दीप सिद्धू नू जमानत मिल चुकी है ते जल्दी ही दीप सिद्धू जिहड़े ने ओ जेल तो बाहर आउणगे। कई दिनों की यह उड़ीकी जा रही थी क्योंकि 15 अप्रैल नू फैसला आउणा सीगा, पर फैसला आउंदे आउंदे 17 अप्रैल हो गई। तो अज जिहड़ी हुणे हुणे खबर आई है कि दीप सिद्धू नू जमानत जिहड़ी है ओ मिल चुकी है ते दीप सिद्धू जल्दी ही जेल तो बाहर आउणगे कागजी कार्रवाई पूरी करन तो बाद। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਉੱਡੀਆਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 307 ਵੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਕਿ ਕੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣਗੇ, ਕੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ DSGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। मैं सब नूं बहुत वधाई दिंदा दीप सिद्धू जो कि पिछले कुछ दिनों तो जेल अंदर सी किसानी संघर्ष के चलते, उसकी अज जमानत लोअर कोर्ट ने एक्सैप्ट कर ली है। माणयोग अदालत ने अज जो उन्होंने फैसला सुनाया उन्होंने हक अंदर, मैं बहुत धन्यवाद करदा है उन्होंने एडवोकेट अभिषेक गुप्ता जी का, उन्होंने भरा सरदार मनदीप सिंह जी का, और दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के एडवोकेट सरदार जसप्रीत सिंह जी राय साहब का। बहुत लंबी मशक्कत तो बाद जमानत हुई आ। दिल्ली पुलिस ने पूरा जोर लगाया, तरलो मच्छी हो रहे थे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP क्राइम सब बैठे हुए थे कोर्ट के अंदर VC के दौरान कि किसी तरीके जमानत रद्द होवे। पर मैं उस अकाल पुरख का धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का कोटानकोट शुकराना करदा है जो ये अज दीप सिद्धू जमानत हुई। शाम को दीप सिद्धू अज जेल तो रिहा होएगा। मैं सब नूं बहुत वधाई दिंदा दीप सिद्धू जो कि पिछले कुछ दिनों तो जेल अंदर सी किसानी संघर्ष के चलते, उसकी अज जमानत लोअर कोर्ट ने एक्सैप्ट कर ली है। माणयोग अदालत ने अज जो उन्होंने फैसला सुनाया उन्होंने हक अंदर, मैं बहुत धन्यवाद करदा है उन्होंने एडवोकेट अभिषेक गुप्ता जी का, उन्होंने भरा सरदार मनदीप सिंह जी का, और दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के एडवोकेट सरदार जसप्रीत सिंह जी राय।